प्रस्तुत है 2023 का एकदम ही नया माल Asus YoBook Go 15 OLED विद द लेटेस्ट AMD 7000 सीरीज। अब ये माल कड़क है कि नहीं ये तो रिव्यू देखने के बाद पता चलेगा। पहले डब्बा खोल लेते हैं। सो वेलकम, ये है Asus YoBook Go 15 OLED विद द लेटेस्ट AMD 7000 सीरीज। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्पेसिफिकेशन एंड अपग्रेड्स ऑफ दिस लैपटॉप। सो दिस लैपटॉप कम्स विद द लेटेस्ट AMD Ryzen 5 7520 U सीरीज प्रोसेसर। यहाँ पर 4 कोर एंड 8 थ्रेड है एंड ये Gen 2 आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 2.8 GHz का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड 4.3 GHz का आपको मैक्सिमम बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। बाकी बेंचमार्क वाले सेक्शन में देखेंगे ये प्रोसेसर कितना ज्यादा पावरफुल है। 16GB LPDDR5 5500 MHz का ऑनबोर्ड रैम दिया गया है एंड नोट दैट ये 5500 MHz का रैम है यार, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है एंड आप बिल्कुल भी रैम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑनबोर्ड रैम है एंड आई थिंक 16GB रैम इज मोर देन इनफ फॉर द हाई इंटेंसिव टास्क। 512GB का PCIe NVMe M.2 Gen 3 SSD दिया गया है। SSD के एक ही स्लॉट प्रेजेंट है, सो इनकेस अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो रिप्लेस करके मैक्सिमम 1TB तक SSD ये लैपटॉप में लगा पाएंगे। SSD स्पीड एकदम ही ब्रश्ड लगा, 885 Mbps का रीड स्पीड देखने को मिला है एंड 855 Mbps का राइट स्पीड। मतलब हम जो लैपटॉप नॉर्मल रिव्यू करते हैं ना, 40,000 का रहता है, 50,000 का रहता है, उसका भी स्पीड 2000 Mbps तो रहता ही है। एकदम लेटेस्ट वाईफाई कनेक्टिविटी वाईफाई 6 ही दिया गया है अलॉन्ग विद द ब्लूटूथ वर्जन 5। अब ग्राफिक्स भी सुन लो यार, यहाँ पर आपको रेडियन 600M ग्राफिक्स देखने को मिलता है 2 CU ओनली। वही हम जो Ryzen 5 5625U वाला लैपटॉप लेते हैं वहाँ पर 7 CU के साथ ग्राफिक्स देखने को मिलता है। 512MB का डेडिकेटेड GPU मेमोरी है एंड 7.6GB का शेयर्ड GPU मेमोरी है। इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर दिस लैपटॉप है विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉन्ग विद द MS Office Women स्टूडेंट वर्जन 2021 एंड अच्छी बात ये लैपटॉप में Alexa बिल्टिन है एंड आपको 1 ईयर का McAfee एंटीवायरस देखने को मिल जाएगा विद द फ्री सब्सक्रिप्शन। सो ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन विजिट देयर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। सो देख लेते हैं लैपटॉप का बिल्ड एंड डिजाइन। Asus YoBook Go 15 OLED PCABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। टॉप लिड काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है एंड आपको Asus YoBook की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर लिखा गया है गो फर्दर एंड बियॉन्ड एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। लैपटॉप में टॉप लिड फ्लेक्स एंड कीबोर्ड फ्लेक्स बोथ आर वेरी मिनिमल। बैक पैनल भी प्योरली प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। बड़े बड़े एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं हवा लेने के लिए। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर Asus YoBook Go 15 एंड मॉडल नंबर भी मेंशन है, तो ये चीज़ अच्छा लगा। Asus के लैपटॉप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि ये इतने सारे मॉडल्स लॉन्च कर देते हैं कि बायर ही कन्फ्यूज आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप प्रॉपर देख पाएंगे कौन सा मॉडल नंबर है। एंड 2W के 2 bottom फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है विद द सोनिक मास्टर ऑडियो सपोर्ट। Asus वाले यहाँ पर टॉप लिड मेटेलिक बिल्ड के साथ नहीं दिए गए, दैट्स वाई इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हल्का है। ओनली 1.63 किलोग्राम के साथ ये लैपटॉप आता है, लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना भी अच्छा नहीं है कि लैपटॉप वन हैंड से ओपन हो जाए। सो यू हैव टू यूज योर 2 hands टू ओपन दिस लैपटॉप। बाकी आप सभी जानते हैं Asus YoBook के हिंज काफ़ी ज़्यादा स्टडी एंड स्मूथ है, इस सच कोई भी दिक्कत नहीं आएगा एंड जो भी पोजिशन में मैं लैपटॉप को ओपन कर रहा हूँ वहाँ पर ये ओपन हो जा रहा है। उससे भी मजे की बात, ये लैपटॉप 180 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है, मतलब हिंज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इन फ्यूचर। एंड लैपटॉप में स्क्रीन वॉबलिंग भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है यार, मतलब Asus वाले तो बनाते ही अच्छा है, इसलिए तो बोलते हैं एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। सबसे अच्छी बात ये लैपटॉप की, ये लैपटॉप US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, दैट मीन्स आपको बिल्ड से रिलेटेड ये लैपटॉप में कोई भी दिक्कत देखने नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी सर्टिफाइड है ना। डिजाइन्स में सच कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपको पाम रेस्ट एरिया थोड़ा एलिवेटेड फॉर्म में देखने को मिलेगा एंड कीबोर्ड वाला पोर्शन डीपर फॉर्म में दिया गया है, ये थोड़ा मेरे को चेंजेस देखने को मिला एंड यही डिजाइन हमको डेल के लैपटॉप में देखने को मिले थे इन डेल इंस्पिरोन 16 सीरीज। बाकी वही यार, 4 एलिवेटेड ग्रिप दिया गया है, लाइक आप अपने लैपटॉप को क्लोज करेंगे तो सच कोई भी स्क्रीन में इफेक्ट नहीं होगा। बाकी वही थिन बेजल्स है, Asus YoBook की ब्रांडिंग है, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लुक है एंड यहाँ पर हमको बिल्कुल लेटेस्ट Ryzen 5 7000 सीरीज के स्टिकर देखने को मिलता है विद द AMD Radeon ग्राफिक्स एंड Asus YoBook Go सीरीज के कुछ गुणगान करते स्टिकर्स देखने को मिल जाता है। सो फटाफट देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। एक USB 2.0 का पोर्ट दिया गया है, 480 Mbps डेटा ट्रांसफर रेट है यार। एक DC इन जहाँ से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे। एक HDMI 1.4 का पोर्ट, इससे आप मैक्सिमम 4K 30Hz तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे एंड फुल HD में 120Hz तक डिस्प्ले आउटपुट सपोर्टेबल है। 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट, 5GB per second डेटा
ट्रांसफर रेट है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट विद द 5G पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट, और ये नॉर्मल डेटा ट्रांसफर वाला ही टाइप सी पोर्ट है, नहीं इससे आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर पाएंगे ना ही डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। मतलब 2023 में लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं, अभी भी हमको नॉर्मल USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा है। दैट्स द मेजर डिसअपॉइंट फॉर द Asus यार। एंड एक 3.5mm का हेडफोन अप्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक देखने को मिलता है। यहाँ पर एक पोर्ट मिसिंग लगा यार, वो है SD कार्ड स्लॉट। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग दे देते तो काफी ज्यादा अच्छा रहता। कीबोर्ड काफी ज्यादा अच्छा लगा, फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है विद द नम पैड। ओवरऑल जो कीबोर्ड की फिनिशिंग है 1.4mm का की ट्रेवल है, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ पर मैंने टाइपिंग वगैरह करके देखा, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा अच्छा था। एंड Asus के कीबोर्ड्स अच्छे रहते ही हैं। F7 बटन प्रेस करके आप बैकलिट कंट्रोल कर सकते हैं, 3 लेवल का आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। 2023 में जो Asus यूबुक लॉन्च हुआ उसका ट्रैकपैड मेरे को थोड़ा छोटा देखने को मिला, ओवरऑल ट्रैकपैड का रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा है। एंड विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर्स सपोर्टेबल है। एक चीज मेरे को समझ नहीं आया, हम 65,000 पे कर रहे हैं और फिंगरप्रिंट रीडर मिसिंग है। Asus वाले यहाँ पर 44,000 के लैपटॉप में भी फिंगरप्रिंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पर क्यों मिसिंग है। सो ये लैपटॉप को मैंने बूट करके देखा, बूट होने में ये ले लिया 16 to 17 सेकंड, विच इज प्रेटी लो यार। वन थिंग जो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा वो है इसका डिस्प्ले। 15.6 इंच का फुल HD OLED पैनल के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, 600 nits का पीक HDR ब्राइटनेस है विद द 100% DCI P3 कलर गैमेट। मतलब आपको सिनेमा लेवल का कलर ग्रेडिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, देन उस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा अच्छा इसका डिस्प्ले रहने वाला है। अलॉन्ग विद दैट आपको नेटफ्लिक्स का HDR कंटेंट कंज्यूम करना है या मूवीज वगैरह देखना है, देन उस पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली दिस गोना बी द बेस्ट लैपटॉप। एंड अभी मार्केट में बेस्ट डिस्प्ले OLED ही यार, इसका जो ओवरऑल जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो रहता है ना, वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। एंड इसमें आप आराम से अपना सभी टास्क कर पाएंगे। एंड बहुत लोग को ये डाउट आ रहा था कि OLED डिस्प्ले में बर्निंग इशू होते हैं क्या? यस होते हैं, लेकिन Asus ने उसका भी यहाँ पर जुगाड़ निकाल रखा है। 2 टेक्नोलॉजी Asus यूज करता है, 1 is pixel refresh एंड 1 is pixel shift। एंड ये दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ऑलरेडी बता रखा है इन Asus YoBook S15 OLED सीरीज रिव्यू, सो वहां आप देख सकते हैं। स्पीकर क्वालिटी इज प्रेटी गुड, म्यूजिक लिसन करना है, मूवीज देखना है तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर DTS का ऑडियो प्रोसेसिंग दिया गया है, वहां से आप वेरियस मोड्स में कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक मूवी मोड, म्यूजिक मोड एंड गेम मोड। यहाँ पर 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिलता है विद द ड्यूअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन। अच्छी बात, यहाँ पर Asus AI नॉइस कैंसलिंग भी सपोर्टेबल है। So well guys, this is the webcam quality of Asus YoBook Go 15 OLED series। Quality तो काफी decent लग रहा है and I hope noise cancelling भी proper work कर रहा होगा। एंड अच्छी बात, यहाँ पर आपको LED indicator भी देखने को मिलता है विद द प्राइवेसी सेटर, तो यहाँ से आप गायब हो पाएंगे। So before going on the benchmark section, I want to discuss few things about the Ryzen 7000 series processor। तो यहाँ पर Ryzen ने बहुत सारे प्रोसेसर लॉन्च किए हैं। एक तो AMD Ryzen 7030 सीरीज है, एक AMD Ryzen 7030 Pro सीरीज है, एंड वन इज AMD Ryzen 7020 सीरीज। सो क्लियर कट आप सभी के लिए रिकमेंडेशन रहेगा, आप 7030 सीरीज प्रोसेसर वाले ही लैपटॉप प्रीफर करें। क्योंकि रियलिटी बताऊं, अभी जो लैपटॉप रिव्यू कर रहा हूँ वो ओनली 4 कोर के साथ आता है, दैट इज वेरी लो यार। क्योंकि हम Ryzen 5 5500U ले रहे थे, वहां पर भी हमको 6 कोर का प्रोसेसर देखने को मिल रहा था। और ये सही बोलूँ तो Gen 2 आर्किटेक्चर में बेस्ड है, विच इज नॉट वेरी पावरफुल। और वही अब 7030 वाला प्रोसेसर लेते हैं, लाइक AMD Ryzen 5 7530, वहाँ पर आपको 6 कोर और 12 थ्रेड देखने को मिलेगा, एंड वो Gen 3 आर्किटेक्चर में बेस्ड है, एंड आपको Ryzen 5 5625U से ज़्यादा परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा। वन मोर थिंग आपको देखना है, 7020 सीरीज वहाँ पर आपको 2CU वाला ही GPU देखने को मिलता है, वही 1900 MHz का। वही आप 7030 सीरीज वाले प्रोसेसर का लैपटॉप लेंगे तो वहाँ पर आपको 7CU के साथ GPU देखने को मिलेगा। सो अब देखते हैं बेंचमार्क। Cinebench R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 978 पॉइंट्स, एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 4851। अगर आप ग्राफ में नजर डालेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर देख पाएंगे Ryzen 5 7520U उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ये इवन i5 12th Gen U सीरीज प्रोसेसर से भी लो पावरफुल है। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर Ryzen वाले बेवकूफ बना रहे हैं, पावर तो है ही नहीं यार, बस LPDDR5 RAM चिपका दिया गया है और प्रोसेसर वही पुराना Gen 2 आर्किटेक्चर का, तो कहाँ से परफॉर्मेंस मिलेगा। Geekbench 5 में 1055 का सिंगल कोर स्कोर एंड 3891 का मल्टी कोर स्कोर। अगेन आप Geekbench 5 कंपैरिजन का ग्राफ देखिए, Ryzen 5 7520U इज स्टिल लो पावरफुल। देन OpenCL के स्कोर निकल के आया 6620 जो ग्राफिकल परफॉर्मेंस बताता है। PCMark 10 का भी स्कोर उतना अच्छा नहीं रहा, ओनली 3944। इस पर PCMark 10 अगर आपके लैपटॉप में 5000 से ज्यादा स्कोर आते हैं, दैट मीन्स योर लैपटॉप इज कैपेबल फॉर मल्टीटास्किंग,
लेकिन यहाँ पर तो स्कोर ही लो है। वही 3D मार्क टाइम इस पर स्कोर निकल के आया 616, विच इज गुड एज पर द नॉन गेमिंग लैपटॉप। एंड क्रॉस मार्क में भी मेरे को कम स्कोर देखने को मिला, विच इज 663। देन ब्लेंडर का भी बेंच मार्क एकदम बेकार देखने को मिला, मॉन्स्टर में 33 सैंपल पर मिनट, जंग शॉप में 20 सैंपल पर मिनट एंड क्लास रूम में 16 सैंपल पर मिनट। अब मेरे को समझ ये नहीं आ रहा है कि AMD वाले ये प्रोसेसर लॉन्च ही क्यों किए हैं, मतलब एकदम बेकार ही परफॉर्मेंस है यार। इवन ये राइजन 5 5500U से भी बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड ASUS ZenBook 16X जो रिसेंटली रिव्यू किया था वहां पर तो राइजन 5 5600H का प्रोसेसर था, वो काफी ज्यादा पावरफुल था इस कंपेयरिंग विद दिस लैपटॉप। देन यहां पर मैंने वीडियो एडिटिंग टेस्ट करके देखा इन Adobe Premiere Pro, 4K 30fps का फाइल इंपोर्ट किया, 1 मिनट का टाइम ले रखा, कुछ कट्स लगाए, ट्रांजिशन ऐड किया, हल्का फुल्का कलर ग्रेडिंग किया, देन टाइटल वगैरह ऐड किया एंड 1 मिनट के फाइल को ही रेंडर करने में ये ले लिया 3.5 मिनट, which is very high यार, इतना नहीं लेना था, एटलीस्ट 2 मिनट में रेंडर कर ही देना था। सो इस पर द रेंडरिंग टाइम आप यहाँ पर 4K एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, एक दो लेयर वाला कर पाएंगे वो भी मोबाइल का 4K फुटेज, कैमरा वाला तो बिल्कुल है ही कर देगा एंड फुल HD लेवल का एकदम बटर स्मूथ वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, सच कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हमारे गेमर भाइयों के लिए कर लेते हैं गेमिंग टेस्ट। यहाँ पर मैंने GTA 5 प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड डिफॉल्ट सेटिंग, आराम से 35 to 40 FPS इजिली देखने को मिल रहा था एंड टेम्परेचर वगैरह दिखाई नहीं रहा था, आई डोंट नो व्हाई। 15W का TDP है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा एंड डेफिनेटली 16GB रैम है तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि शेयर्ड GB मेमोरी है ना, तो आप आराम से आप GTA 5 प्ले कर पाएंगे बटर स्मूथ एंड आप HD रिजोल्यूशन में प्ले करेंगे तो आपको 55 to 60 FPS इजिली देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर मैंने Valorant प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड लो सेटिंग, आराम से 95 to 100 FPS इजिली देखने को मिल रहा था, तो आप आराम से Valorant गेम प्ले कर पाएंगे इन वेरी गुड वे। यहाँ पर 3 cell 50 watt hour का बैटरी दिया गया है, 6 nanometer के फेब्रिकेशन से प्रोसेसर बिल्ट हुआ है, दैट मीन्स एकदम ही पावर एफिशिएंट, आराम से आपको 7 to 8 hours का इजिली बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इन 50% ब्राइटनेस एंड बैकलाइट टर्न ऑफ। एंड 65W का AC अडाप्टर दिया गया है, सो वहां से आप अपने लैपटॉप को 60% तक चार्ज कर पाएंगे ओनली इन 49 मिनट्स, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। सो इन टर्म्स ऑफ थर्मल दिस लैपटॉप कम्स विद द 1 fan मॉड्यूल एंड 15W इसका TDP है, एज सच मेरे को लैपटॉप में कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला एंड नॉर्मल टास्क में फैन वगैरह स्टार्ट नहीं होता, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। सो अब फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। ASUS ZenBook Go 15 OLED 65,000 में लिस्ट हुआ है एट द Amazon, वही आप इसका नॉन OLED वाला लेंगे तो आपको 55,000 में इजिली देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये लैपटॉप उतना भी पावरफुल नहीं है यार, इससे अच्छा है Ryzen 5 5625U, Ryzen 5 5600H जो ASUS ZenBook Pro 14 OLED सीरीज में देखने को मिल रहा था। सो बिल्कुल भी लैपटॉप ये प्राइस में रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप Go सीरीज लेने का सोच रहे हैं तो आप नॉन OLED पैनल वाला प्रीफर करें, अगर आप OLED पैनल के साथ लेते हैं दैट मीन्स आपका बजट 65,000 है, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद द ASUS ZenBook 15 2023 विद द AMD Ryzen 7030 सीरीज प्रोसेसर, क्योंकि वहां पर बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद द फिंगरप्रिंट रीडर। ये लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है एंड ASUS ने यहाँ पर 12 से 15 लैपटॉप लॉन्च कर दिया है विद द लेटेस्ट AMD 7000 सीरीज प्रोसेसर, सभी के रिव्यू चैनल पे जल्द आएंगे यार। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम 16X प्रीफर करें या ASUS ZenBook Go सीरीज प्रीफर करें, सो मैं आपको क्लियर बोलना चाहूंगा 16X सीरीज स्टिल पावरफुल, क्योंकि वहां पर जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया है ना एच क्लास, वो काफी ज्यादा पावरफुल है यार। आप बेंचमार्क खुद ही देखो, ग्राफ खुद ही देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा विच प्रोसेसर इज मोस्ट पावरफुल एंड बिल्ड क्वालिटी मेरे को चीप लगा, एटलीस्ट मेटल बिल्ड तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं अंडर द बजट ऑफ 65,000। एंड अभी जितने भी लैपटॉप लॉन्च हुए ना विद द लेटेस्ट AMD 7000 सीरीज, सभी का आपको बेस बैंक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। सो गाइस मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।